राजस्थान बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट सोमवार यानी 20 मई 2024 को जारी कर दिया गया। पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने सभी संकायों में बाजी मारी है। बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने विज्ञान संकाय में 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। बाड़मेर के बलदेव नगर निवासी तरुणा चौधरी ने 12वीं साइंस में 99.8% अंक लाकर प्रदेश टॉप करते हुए बाड़मेर का नाम रोशन किया है। क्या था टॉपर तरुणा की सफलता का राज, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है जब मैंने इतने अंक प्राप्त किए और राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, किस तरीके से तैयारी करती थी, कैसे पढ़ाई की जर्नी रही 12th की शुरुआत से, कब से क्या, थोड़ा डिटेल में बताओ। जब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी, मई में स्टार्ट हो गई थी, मैं मयूर नोबल्स में थी, तो वहाँ पे मतलब टीचर्स का बहुत सहयोग था। और मैं तो सारे स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूं कि जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं उनको जरूर फॉलो करें। मैंने हमेशा से जो टीचर्स ने बोला है उसी को फॉलो किया है, मतलब उन्हीं के हिसाब से टेस्ट शेड्यूल, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो टीचर्स से बात भी होती थी और पेरेंट्स से भी वो मोटिवेट करते थे, स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करती रहती थी। अच्छा, किस तरीके से दादा दादी, क्योंकि मदर तो टीचर थी तो बड़ी दिक्कत होती होगी। मम्मी टीचर थी तो मतलब कभी कभी बाहर मीटिंग वगैरह में जाना पड़ता था, तो मैं मेरे दादा दादी के पास रहती थी। अच्छा, अब क्या सपना बेटा? मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है। अच्छा, सिविल सर्विसेज। अरे किसके दादी, और क्या हॉबी आपकी? क्या और क्या हॉबी इसके अलावा? और इसके अलावा तो मैं ज्यादा पढ़ाई करती थी ऐसा। सिविल सर्विसेज क्यों? सिविल सर्विसेज क्योंकि मैं जब 8th-9th में थी तभी मेरी बुआ जी जो वो मेरे को मोटिवेट करती थी और मेरा मतलब पहले से इसमें इंटरेस्ट है। टॉपर तरुणा चौधरी ने बताया कि स्कूल के बाद 6 से 8 घंटे घर पर पढ़ाई करने के बाद उन्हें ये सफलता हासिल हुई। इसी को देखते हुए बायतू के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने तरुणा चौधरी को कॉल कर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। तरुणा चौधरी की सफलता के बाद परिवार को बधाई देने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ है। हाँ बेटा तरुणा, बहुत बहुत बधाई हो तेरे को। और ठीक है ना, लाइफ में इसी तरह से फोकस ढंग से, ये पहला कदम है तेरे जीवन में सफलता का, ठीक है ना। और तू बहुत सौभाग्यशाली है, तेरे परिवार में तेरी मदर ने फादर ने तेरे को इस तरह के करने के लिए अवसर दिया, तो उनको भी बधाई, तेरे को भी बधाई। इसी तरह से तो आगे बढ़, जिससे हमारे परिवार, जिले का, देश का नाम रोशन कर सके तू जीवन में। और एक जुनून से जो तेरे को अच्छा लगे ना, पैशनेटली, उससे तो जीवन के अंदर करना। क्या बनना चाहती बेटा तू? मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है। सिविल सर्विसेज। और तेरा शौक क्या है? मेरा शौक, मैं ज्यादा तो पढ़ाई करती थी ऐसा, मतलब गेम्स वगैरह में तो नहीं है, पर कभी कभार ड्राइंग वगैरह ऐसा। ठीक बेटा, ड्राइंग भी कर और पढ़ने में अच्छी किताबें पढ़ना, तो मैं तेरे को अच्छी सी किताब एक गिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, अल्केमिस्ट करूंगा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो किताब, वो तेरे को गिफ्ट करूंगा। अभी नहीं, तसल्ली से उसको पढ़ना, बहुत हल्की फुल्की किताब है, गडेरिया की किताब है, ब्राजीलियन लेखक की है। ठीक बेटा? ठीक है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। आपको बता दें, इस बार भी विज्ञान संकाय में लड़कियों का दबदबा रहा। लड़कों का परिणाम 95.8% तो लड़कियों का 98.9% रहा। अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जानना है तो नीचे दिए गए लिंक पर रोल नंबर दर्ज कर स्कोर कार्ड चेक करें, साथ ही मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और राजस्थान की तमाम जानकारी के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।